मंगलवार को जेवर मोड़ रानीश्वर प्रखंड दुमका में एकल नारी सशक्ति संगठन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माह के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में कई पंचायतों से महिलाएं शामिल हुई और सर्वप्रथम देश के वीरांगनाओं की तस्वीर पर पुष्प अर्पण करते हुए कार्यक्रम को शुरू किया गया। सुहागिनी टुडू ने एकल नारी सशक्ति संगठन के बारे में विस्तार से बताया। पूरा कार्यक्रम को जन सहयोग से किया जा रहा है। कुमार दिलीप ने कहा कि आज भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने काफी संघर्ष किया है। उनकी मेहनत संघर्ष के बाद आज देश में हर एक महिला को शिक्षित होने का अवसर मिला है। सिलसिला मुर्मू ने अपने रानीश्वर प्रखंड के सभी पंचायतों में संगठन को मजबूत करने का आश्वासन दिया है और सभी एकल नारियों से अपील की है कि हर पंचायत में तिथि बार बैठक होती है और उनमें सभी शामिल होते रहे हैं और अपनी दुख समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उसका निदान भी निकालेंगे। संगठन में जुड़ने के लिए एक बार शहीद एक बेंच लेकर आजीवन सदस्य बन सकते हैं। धनबासा पंचायत के मुखिया बबलू टुडू भी शामिल हुए और मुखिया को पारंपरिक तरीका से स्वागत किया गया और मुखिया ने कहा कि हम महिलाओं के संगठन को हर स्तर पर सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम जानते हैं कि एकल महिलाओं की क्या तकलीफें होती हैं। जब पति पत्नी साथ रहते हैं तो बेहतर जीवन चलता है। जैसे ही गाड़ी का एक पहिया टूट जाता है तो गाड़ी खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस परिस्थिति में हम उनके साथ खड़े रहने के लिए तत्पर हैं। जिनकी भी पेंशन नहीं हुई है या होने में दिक्कत हो रही है वो इससे सीधा संपर्क करें, आधार कार्ड बैंक पासबुक हमें दें और हम जरूर उनका काम करवाएंगे और इसके अलावा जो भी समस्याएं होंगी हमारे पास लेकर आए, हम जरूर पहल करें। सशक्ति संगठन ये 2005 में शुरू हुआ है और ये झारखंड के 15 जिला का 35 ब्लॉक में चल रही है और उसमें से ही रानीश्वर ब्लॉक का भी एक इकाई है और पूरा झारखंड में ये संगठन अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें खास करके विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा उम्रदराज अविवाहिता जिसका पति लापता हो गया है जिसका पति उम्र कैदी सजा मिला है और जो अविवाहित है जो 35 साल से ऊपर है जिसका उम्र वैसे वैसे महिलाओं का ये राज्य स्तरीय संगठन है और ये संगठन में मिल करके महिलाएं अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और समाज के लोग से भी मिलते हैं और उनके भी जो समाज का रीति रिवाज के अनुसार से जो हक अधिकार मिलता है उनके बारे में भी लड़ाई लड़ती हैं संघर्ष करती है। बाबू नो बताओ।